हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि मतलब कि 50-50 में ये चैलेंज रख रहे हैं कि करें या ना ही करें, क्योंकि आज का जो चैलेंज है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। आप लोगों को पता होगा, अभी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम चल रहा है, मतलब कि धूप भी नहीं आ रहा है बाहर तरफ, और आज का जो चैलेंज है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। हमारा रूम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रूम, इसमें एक और हम चैलेंज वीडियो किए थे, और इसमें जो है वो यहाँ ऊपर फैन लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, और आज रात भर हम इस पंखा को चलाकर इस रूम में हम रहने वाले हैं, तो काफ़ी डेंजर से ये चैलेंज होने वाला है। एक तो ठंड पड़ रहा है ऊपर से, और ऊपर से हम एक पंखा चलाने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाला है, काफ़ी डेंजरस ये वीडियो होने वाला है। तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी से अभी का टाइम हम आप लोगों को बता देते हैं, 7:51 हो रहा है, मतलब कि लमसम 8 बजने ही वाला है। सुबह 8 बजे ये चैलेंज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हमने फैन ऑन कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, और उतना ज्यादा मतलब कि अभी शुरुआत में ठंडा नहीं लग रहा है। 12 घंटा हमको इसी रूम में बिताना है, तो नॉर्मली हम ऐसे रह सकते हैं। हमको ये जो बेड यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि हम नॉर्मली लेट सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कम्बल है ओढ़ने वाला जो ये है, इसको हम नहीं ओढ़ सकते हैं। बाकी जो हम शरीर में जितना मर्जी करें उतना हम पहन सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है, क्योंकि हमको भी मतलब कि सरवाइव करना है, नहीं तो 1 घंटा भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमको सोना नहीं है ये कम्बल के साथ, बाकी आराम से हम बैठ उठ सकते हैं, और जितना मर्जी करें उतना हम शरीर में पहन सकते हैं अपना बचाव करने के लिए। तो देखते हैं कितना घंटा हम सरवाइव कर पाते हैं। ऐसे तो 12 घंटा हम बोल दिए हैं, लेकिन जितना भी करेंगे हम टाइम आप लोग को बताते जाएंगे, और ये जो फैन ऊपर चल रहा है ये चलता रहेगा। तो चलिए, चैलेंज तो स्टार्ट हो चुका है, ये सब हम कारण आपको बता दिए कि ये सब हम कर सकते हैं। आज थोड़ा देरी भी नहीं हुआ है, पूरा एक होता है कपकपी जैसा, उस प्रकार से लग रहा है, पूरा कपकपी जैसा लग रहा है, और 12 घंटा पंखा ऑन करके ठंडा में सरवाइव करना ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अभी यहाँ पे हम जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे जैसे ठंडा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पे शरीर में पहनते जाएंगे, और हमारा रूम में सुविधा है, मतलब चाय वो सारा कुछ हम बना के पी सकते हैं शरीर को गर्म करने के लिए। पानी गर्म करके पियेंगे, चाय बना लेंगे और उसको हम पीते रहेंगे शरीर को गर्म करने के वजह से, क्योंकि पंखा फैन ऊपर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। देखते हैं कितना टाइम तक हम सर्वाइव कर पाते हैं, और कब कब हम कपड़ा पहनेंगे, कितना जरूरी हमको पड़ रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, और ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि हम 12 घंटा सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ओह माय गॉड, तो थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ है, हम ऊपर का जो है वो पहन लिए हैं, जो भी पहनने वाला है, इसमें टोपी लगा हुआ है। हमको तो अभी भी लग रहा है कि काफ़ी मतलब कि गलत डिसीजन ले लिए हैं, कि ये चैलेंज हमको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है कि हम मतलब कि आप लोग को एहसास नहीं दिला सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड है। अगर आप लोग रूम में रह रहे होंगे तो आप लोग को पता है, बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिए हैं, फैन ऑन करके 12 घंटा हमको रूम में बिताना। करीबन 1.5 घंटा से इसी तरह से हम पड़े हुए हैं, और यहाँ पे रूम में पूरा वाइट वाइट सा लाइट यहाँ पे जल रहा है, तो यहाँ पे एक रेड यहाँ पे लाइट जला दिए हैं, इससे थोड़ा सा गर्म लगता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नींद हमको आ रहा है, तो थोड़ा देरी के बाद यहाँ पे चाय बना के हम पीने वाले हैं। तब तक यहाँ पे थोड़ा सा हाथ उथ सेक लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुका है हाथ, और थोड़ा सा आवाज़ में परिवर्तन आ रहा होगा, क्योंकि पंखा जो है वो चल रहा है, तो वहाँ से भी आवाज़ सुनने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। गाइस, लाल बॉल जलाने से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाल बॉल यहाँ पे जल रहा है, और यहाँ पे अगर गौर से आप लोग देखिएगा
तो यहाँ पे देखिए जो हम बिछाए हुए हैं बेडशीट, उसमें यहाँ पे देखिए छेद कर दिया है। इतना पावर इसमें दे रहा है, लग रहा है यहाँ पे आग जल रहा है उस प्रकार से। इसको जला दिया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं काफी डेंजरस। चैलेंज स्टार्ट हुए, यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है और काफी ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो सबसे पहले अभी चाय बना के हम पी लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा क्या नहीं होगा, चैलेंज 12 घंटा चलेगा या नहीं चलेगा, अभी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कि पंखा एक चल रहा है वो अलग है और बाहर इतना ज़्यादा कुहासा है। थोड़ा सा अब आप लोग को हम दिखा देते हैं। बाहर अगर खड़ा रहे तब भी ठंडा है, रूम में है तब भी ठंडा है। तो चलिए सबसे पहले चाय भी बनाते हैं। चाय बनाने के लिए चीनी और चाय पत्ती यहाँ पे डाल दिए हैं, लेकिन जब पंखा चल रहा है ऊपर तो पंखा हवा दे रहा है और हवा के वजह से यहाँ पे देख सकते हैं गैस सही सलामत से यहाँ पे जल नहीं रहा है, हवा काफी ज्यादा दे रहा है। तो चलिए जैसे तैसे करके तो हम यहाँ पे बना ही लेंगे, बन जाता है उसके बाद हम आप लोग को दिखाते हैं कैसा चाय बना हुआ है। Few moments later. गाइस गर्मा गर्म यहाँ पे चाय बन के आ चुका है और यहाँ पे टॉस है हमारा पास। इस ठंडा का मौसम में गर्म चाय और टॉस मिल जाए तो इसके बाद क्या ही मजा। चलिए इसको खा के कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा तो इसको खाएंगे नहीं, सिर्फ पियेंगे इसको, क्योंकि शरीर को गर्म रखना है। तो चलिए खा के कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। रात का 11 बज रहा है और 3 घंटा अभी तक हम सर्वाइव कर चुके हैं, और आप लोग को लग रहा होगा कि ये आसानी से कर रहा है। ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं फैन चल ही रहा है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है। देखिए बाहर जो होता है, बाहर का जो ठंडा होता है वो अलग होता है, और ये जो पंखा हवा दे रहा है इसका ठंडा कुछ अलग है, तो इसका बर्दाश्त हो जा रहा है। अगर यही काम हमको बाहर करना पड़ता तो मतलब कि ना के बराबर हम 12 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे भी ठंडा लग रहा है तो हम अपना रूम के अंदर है, किसी भी तरह से बाहरी हवा यहाँ पे नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है वो पंखा के द्वारा आ रहा है, तो इतना हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं। लेकिन अभी तक 3 ही घंटा हुआ है, अभी 9 घंटा और बचा हुआ है, 9 घंटा में कुछ भी हो सकता है। काफ़ी परिश्रम से अभी भी हम हैं, लेकिन हाँ बाहर के अनुसार यहाँ थोड़ा सा राहत मिल रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा तो नींद भी आ रहा है, हम तो दिन में पूरी तरह से सो के रहे थे और रात भी 12 घंटा पूरा जागना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नींद काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और सोना तो ऐसे नहीं है, और हवा चल रहा है तो वैसे सो भी नहीं सकते और नींद भी सही सलामत से नहीं आएगा। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हो चुका है 12, पूरी तरह से 12 बज चुका है और ठंडा की वजह से इतना ज़्यादा माथा दर्द कर रहा है। हमको तो डर इस बात का लग रहा है कि सर्दी ना हो जाए, चूंकि सर्दी हो जाएगा तो पूरा माथा एकदम टेंशन से भर जाएगा, मतलब काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। तो डर इस बात का है। और 12 बज रहा है, अब थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट ले लेते हैं, मतलब कि सो जाते हैं। पंखा तो चलते रहेगा लेकिन थोड़ा सा सो जाते हैं, ऊपर से कुछ हम चद्दर उधर नहीं ओढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा मतलब 2-3 घंटा के बाद ही मिलेंगे, नहीं तो अगर हम इस प्रकार से 1 घंटा में बनाते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं 1-2 घंटा बाद। Few moments later. गाइज 1-2 घंटा मतलब जैसे तैसे करके सोए हैं, सही से नींद तो अभी तक नहीं आया, चूंकि इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी के टाइम में। जब तक कम्बल उम्बल ओढ़ के अगर आप नहीं सोते हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। जैसे तैसे करके 1-2 घंटे यहाँ पे सोए हुए, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है और इतना तेज़ से अभी पंखा चल रहा है, पता नहीं वोल्टेज बढ़ गया है या क्या हुआ है, बहुत ही तेज़ से चल रहा है पंखा। अब बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगने लगा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ओ माय गॉड, बहुत ही खतरनाक चैलेंज ले लिए हैं। ये जो बल्ब है थोड़ा बहुत राहत दे रहा है,
वरना जरा सा भी हम सरवाइव नहीं कर पाते जितना तेजी से पंखा चल रहा है। एक बार फिर से शरीर को गर्म करने के लिए चाय बना रहे हैं, क्योंकि ऐसे अब थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत गर्म चीज़ अंदर जाएगा तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त होगा। तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए फिर से हम सिस्टमेटिक तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। गाइस एक बार फिर से पेश है गर्मा गर्म चाय इस ठंडा मौसम के साथ, ठंडा चैलेंज के साथ। तो चलिए इसको पहले निपटाते हैं, उसके बाद आगे और मतलब 2-3 घंटा चैलेंज बचा हुआ है, देखते हैं क्या होने वाला है, जैसे तैसे करके तो खींच ही लेंगे। इस पूरा चैलेंज में हमको जो राहत दिया है वो यही लाल बॉल है, और इसका जो है इतना ज़्यादा पावर है इसमें गर्मी पैदा करने का, देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैक कर दिया है। यहाँ पे आप लोग को दिखाए थे बेडशीट यहाँ पे जला दिया है, पूरा रेगुलर हम इसी में टिके हुए हैं। अगर ये नहीं रहता तो हमको चैलेंज मतलब कि एक प्रकार से छोड़ना पड़ता, लेकिन ये बहुत हद तक हमको राहत दिया हुआ है। लाल बॉल इज द बेस्ट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बिजली ये भी लेता है, तो हो सकता है आप लोग नहीं कीजिएगा। हमको इस चैलेंज में करना था इसलिए हम कर रहे हैं। आज अभी तक ये जो पंखा है वो चल ही रहा है, और टाइम हो चुका है 7:22, मतलब कि आधा घंटा हमको और यहाँ पे इस पंखा के नीचे रहना है, उसके बाद पंखा बंद करके आराम से सो जाएंगे, क्योंकि रात भर यहाँ पे हम जग के ये वीडियो को शूट करने के चक्कर में जागे हुए हैं। तो सिर्फ आधा घंटा, और अभी बाहर का मौसम दिखाते हैं। इतना ज़्यादा कुहेसा किया हुआ है कि बाहर भी आप नहीं निकल सकते, और अंदर भी है तो अंदर भी सुख चैन से नहीं है, यहाँ पर भी ठंडा में ही रहना पड़ रहा है सिर्फ आज भर। इसी के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिए। टाइम हो चुका है 8, और ये जो स्विच है ये पंखा का स्विच है, इसको ऑफ कर दिए हैं, पंखा बंद हो चुका है, और यहाँ पे 12 घंटा सर्वाइव मेरा ख़त्म हो चुका है। हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि पंखा चला के रात भर ठंडा का मौसम में हम इस रूम में रह गए सिर्फ इसके भरोसे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं सोने, सारा कुछ लाइट उट बंद कर देते हैं। ये लाइट यहाँ से बंद हो चुका है, ये लाइट यहाँ से बंद हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सोने, बाय बाय, लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस वीडियो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दुर्घटना हो चुका है। यहाँ पे पेपर में हम बॉल लगा के यहाँ पे हम हाथ को गर्म कर रहे थे, हमको पता था कि इसमें गर्म हो रहा है, लेकिन अभी जब हम इसको बाहर निकाले देख सकते हैं ये जो बेडशीट है पूरी तरह से यहाँ पे जल चुका है, और इसका अंदर जो है गद्दा है वो भी पूरी तरह से जल चुका है। बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, हमको पता ही नहीं चला। तो चलिए जो भी है लास्ट यहाँ पे था, अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पे छेद कर दिया है एक बल्ब का पावर।